डालिएगा आप लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या दिया रहता है, इस पर एनसीईआरटीज में भरा पड़ा हुआ है क्वेश्चन और इससे एग्जाम में आते भी हैं बोर्ड में तुम्हारे, तो बहुत आसान है, अगर समझने का कोशिश करो तो बहुत आसान है। क्या होता है एक्चुअल में, देखो तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पर एक प्लेन है, ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पे आपका एक प्लेन है और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपको दिया गया है। तो नॉर्मल वेक्टर का मतलब वो कहीं का भी नॉर्मल वेक्टर दे सकता है, समझना ध्यान से। ये हमारा क्या क्या दिया रहेगा समझना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक प्लेन जो है ओरिजिन से मान लो डी डिस्टेंस पे हमको दिया गया है, मान लो ये है, ये कितना डिस्टेंस है हमारा डी प्लेन के ऊपर। बात को समझने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो नहीं समझोगे, है ना। अपने दिमाग में प्लेन को सोचो, यहां पे नहीं सोच पाओगे, अपने दिमाग में सोचना, अपने रूम में कहीं भी तुम जहां भी हो, एग्जाम दे रहे हो, घर में हो, कहीं भी एक कॉर्नर तुम्हें तो मिल ही जाएंगे, उस कॉर्नर पे रहो और सोचो कि उस कॉर्नर से हमको एक डिस्टेंस दिया हुआ है घर के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहाँ पे एक प्लेन ऐसे रख दिया गया तिरछा, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को तो कवर करेगा, वही ये एक कवर किया हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, ये बाहर की तरफ है ना, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था हमारा और ये बाहर की तरफ था, तो इसके ऊपर हम एक प्लेन रखेंगे, तो ये जो डी डिस्टेंस दिया हुआ ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ की तरफ। ये बात समझ में आया, तो हमको क्या दिया रहेगा कि हियर डी इज, या लेट डी इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इज गिवेन एज वेल एज, साथ ही साथ और क्या दे रहेगा तुम्हें, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवेन। ये दिया रहेगा, से एन वेक्टर, मान लो कि वो एन वेक्टर दिया गया है। अब एन वेक्टर जो है उस, अगर वो एक वेक्टर है प्लेन के नॉर्मल में, प्लेन ऐसे रख दिया गया है तिरछा और उसका नॉर्मल वेक्टर है, तो जरा बताओ कि नॉर्मल वेक्टर जो दिया रहेगा उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा ना। नॉर्मल वेक्टर कोई भी वेक्टर दिया हो तो किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन तो हम जानते हैं कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन तो हम जानते हैं, लेकिन उसकी कोई लेंथ होगी कि नहीं होगी, सोचो। वो लेंथ क्या जरूरी है कि ओरिजिन से जो डी डिस्टेंस दिया था प्लेन तक का वही हो, बोलो जरूरी है। जो एन वेक्टर हमको दिया हुआ है प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का, उसमें एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो क्या ये तुम ये बोल सकते हो कि उस नॉर्मल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर तक की दूरी ही है? नहीं ना, वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। नॉर्मल वेक्टर बड़ा भी लेंथ हो सकता है और छोटा भी हो सकता है ना, ये कन्फर्म हो लेना अपने दिमाग में। लेकिन उन्होंने ओरिजिन से डी डिस्टेंस दिया हुआ है ये पता है, तो अगर हमको बताओ कि जो डी डिस्टेंस के अलोंग अगर हमको कोई वेक्टर जनरेट करना हो ऐसा नॉर्मल के, नॉर्मल देखना ध्यान से सुनना,
हम जो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, नॉर्मल वेक्टर के अलोंग, नॉर्मल वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर जनरेट करना है हमें जिसकी लेंथ, उस वेक्टर की लेंथ डी डिस्टेंस के बराबर हो, तो क्या करना होगा? नॉर्मल वेक्टर के पास तो डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड भैया ज़्यादा भी हो सकता है इस डी डिस्टेंस से, लेकिन हमको पता है कि ओरिजिन से जो हमारा एक प्लेन ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, उसकी डी डिस्टेंस ही है, और इसी ये उस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन और इस डी डिस्टेंस का डायरेक्शन दोनों का तो सेम ही डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल है और वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। वेक्टर हमको दिया है एन वेक्टर नॉर्मल के, तो नॉर्मल हमको उस प्लेन पे कहीं भी दिया हो उसको हम पैरेलली शिफ्ट करके इसका भी डायरेक्शन वो मान सकते हैं। तो क्या हम ऐसा वेक्टर जनरेट कर सकते हैं जिसकी मतलब मैग्नीट्यूड डी डिस्टेंस हो और उसके पैरेलल हो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा? हाँ बताइए। देखो क्या करना होगा, हम बता देते हैं, शायद तुम सही बता रहे हो, हम सुन नहीं पा रहे हैं। देखो क्या करना होगा, हम निकालेंगे n कैप, हम निकालेंगे n कैप। अब n कैप, n वेक्टर से हम n कैप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो n कैप अगर निकाल लेंगे, कोई भी नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा, n कैप निकाल लेंगे, तो n कैप का मतलब क्या होता है? केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो वन होता है। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हो? यूनिट वेक्टर के पास केवल डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है। और एन कैप में अगर हम डी से गुना कर दें, तो ये जो डी एन कैप है, क्या ओरिजिन से जो डी डिस्टेंस था वहाँ से ले, ओरिजिन से लेकर डी डिस्टेंस तक जो प्लेन पे लाई कर रहा है वो डायरेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि जो d इंटू एन कैप लिखे हैं वो हमको ऐसा वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड तो d होगा और डायरेक्शन n कैप के अलोंग होगा? तो n कैप का डायरेक्शन क्या था? नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन। तो कोई भी यूनिट वेक्टर में अगर कोई लेंथ से गुना करते हो तो वो यूनिट वेक्टर उतना लेंथ बड़ा हो जाता है, सिंपल सी बात है, वो लेंथ उतना बड़ा हो जाता है। तो निश्चित रूप से क्या तुम्हें एक पॉइंट मिल गया जो प्लेन पे लाई कर रहा है? यही है वो डी एन वेक्टर, डी एन कैप। डी एन कैप निश्चित रूप से तुमको प्लेन पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो तुम बोलते रहो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, हम बता देंगे फिर से, नहीं तो हमको लगेगा तुम समझ गए हो। ये नॉर्मल वेक्टर था मेरा, हम d इंटू एन कैप लिखे, एन कैप का मतलब उस वेक्टर का केवल डायरेक्शन लिए हैं और एन कैप d इंटू किए हैं, तो ये डिस्टेंस में अगर एन कैप से मल्टीप्लाई करें तो हमको ऐसा ही ना वेक्टर मिलेगा जो इसके क्या हो, उस वेक्टर के डायरेक्शन में और उसका डिस्टेंस d हो। अब ये हमको अगर पता चल गया तो ये पॉइंट भी हमारा क्या कहलाएगा, उस प्लेन पे जो प्लेन हमारा ऐसे लाई कर रहा था इसके ऊपर, उस पर एक वेक्टर मिल गया कि नहीं हमको? पोजीशन वेक्टर मिला ना। अब किसी भी, अब सुनना ध्यान से, अब किसी भी प्लेन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि प्लेन पे कोई जनरल पॉइंट ले लो, ये प्लेन हमारा लाई कर रहा था, ये बहुत सारा बड़ा प्लेन, इस पे कहीं भी पॉइंट, यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे कहीं भी ले लो, उसको यहां से ज्वाइन करो इस कॉर्नर से, क्या कोई भी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, जनरल पॉइंट मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड या आर वेक्टर कोई भी, तो एक्स वाई जेड हम ले लिए, आर वेक्टर ले लिए, तो वहां से अगर इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, तो वो पॉइंट और ये पॉइंट परपेंडिकुलर होगा? प्लेन के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लोगे तुम, जरा ध्यान से सोचो, प्लेन के ऊपर कहीं भी ले लो, उसको उस प्लेन से ही जोड़ना है यहां तक, ये 90 डिग्री बनाएगा? नहीं समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो?
तो अगर अगर समझ गए तुम तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर हियर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें हवा में आर वेक्टर की तरह, तो आर वेक्टर मान लो ये है तुम्हारा, तो आर वेक्टर को अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इस वेक्टर का नाम है d into n cap और इसका नाम है r वेक्टर, ऐसे है ना, तो ये r वेक्टर हो गया। अब अगर हम बोले कि मान लो ये p कोई पॉइंट है और ये नॉर्मल था तो हम o बोल दें, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि o n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p n वेक्टर। बोलो ये P जो है वो प्लेन पे कहीं भी लाई करता होगा। अपने मन में सोचो कि एक प्लेन रखे हुए हो, एक बड़ा सा प्लेन रखे हुए तुम, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये पॉइंट को प्लेन के किसी भी जगह से जोड़ोगे, किसी भी पॉइंट R वेक्टर से ज्वाइन करोगे, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे वो यहाँ हो तो भी 90 डिग्री, ऊपर हो तो भी 90 डिग्री, यहाँ हो तो भी 90 डिग्री। कन्फर्म हो वर्षा? कन्फर्म हो? बोली नहीं रही है सब। तो ये हम बोले कि निश्चित रूप से ओएन वेक्टर जो होगा ओरिजिन से यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक प्लेन तक, वो वेक्टर और उसी पॉइंट को हम प्लेन के किसी भी आर वेक्टर से ज्वाइन करें, उसको ज्वाइन करें तो दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो निश्चित रूप से अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ओ एन वेक्टर और डॉट NP वेक्टर या PN वेक्टर कुछ भी कह लो, NP वेक्टर ही कह लो, ON वेक्टर डॉट NP वेक्टर का वैल्यू जीरो, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो गए तो यही कंडीशन होता है कि दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ हमें ओएन वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं। ओएन वेक्टर हम लिखेंगे d into n cap डॉट। ओएन वेक्टर हमको यही है, यही ओएन वेक्टर है हमारा, ओरिजिन से पॉइंट n तक, ये n पॉइंट है। तो ये हुआ d into n cap। एनपी वेक्टर क्या होगा? तो पी वेक्टर में से एन वेक्टर घटाना होगा, बताया गया है ना। बोलो, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर माइनस, पहले लिख लो, पी वेक्टर माइनस एन वेक्टर, ऐसे तो बराबर जीरो। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा d into n cap डॉट। क्या लिखेंगे जी? तो P वेक्टर का मतलब R वेक्टर है वो, और माइनस N वेक्टर का मतलब ON वेक्टर से होता है ना, तो ON वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा d into n cap। ये वाला लाइन समझ में आया तुम्हें? देखो ये जो NP वेक्टर होता है एक्चुअल में वो OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर होता है। तो OP वेक्टर तुम्हारा क्या था? O से P वेक्टर जो था R वेक्टर था, और माइनस ON वेक्टर क्या था तुम्हारा? ON वेक्टर वो आपका कितना था? d into n cap। ये बात समझ में आ गया? और वेक्टर में आपको बताया भी गया है कि अगर दोनों को हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर तुम लिख रहे हो, PN वेक्टर अगर मान लो ऐसे P से N की तरफ जा रहे हो, P से N की तरफ है ना, और दोनों का हेड हेड को ज्वाइन किए हो, तो इस वेक्टर में से ये वेक्टर घट जाता है। तो ये वेक्टर dn कैप था और ये वेक्टर r वेक्टर था, तो dn वेक्टर में से r वेक्टर घटाए हुए हैं, है ना, चाहे जीरो ही हो रहा है तो क्या दिक्कत है, किसी में से किसी को घटाओ। अब जरा बताओ इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ये तो d ये कांस्टेंट नंबर है ना, उसको बराबर के उधर तो भेज सकते हैं, d ये कांस्टेंट नंबर है ना केवल, तो उसको बराबर के उधर भेज दो। तो n कैप डॉट r वेक्टर माइनस d into n कैप बराबर जीरो।
अब एन कैप का आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर वेक्टर इंटू एन कैप माइनस एन कैप और एन कैप का मल्टीप्लाई होगा, डी तो बाहर रहेगा, तो दो दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने से वन आता है, ए डॉट ए वन आता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए आता है ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आता है, अगर यूनिट वेक्टर होगा तो वन हो जाएगा ना, ये भी एन कैप ये भी एन कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप बराबर जीरो। अब ये वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल, तो जीरो डिग्री है, दोनों ही एन कैप है, तो वो हो जाएगा वन, वो हो जाएगा वन, तो आर इंटू एन कैप माइनस डी इंटू ये वन हो जाएगा बराबर जीरो। तो तुम्हारा जो इक्वेशन आएगा वो आया आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, यही तुम्हारा इसका वेक्टर इक्वेशन है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ प्लेन, जहाँ पे एन कैप उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर से होता है, आर तुम जानते ही हो, और डी जो होता है वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है और एन वेक्टर से हम लोग एन कैप निकाल सकते हैं। ये समझ में आया बात, वेक्टर क्लियर होना चाहिए, वेक्टर में दिक्कत है तो प्लेन में दिक्कत तो होगा ही, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या दो ट्रायंगल लॉ से कैसे हम लोग वेक्टर से डिस्टेंस को लिखते हैं वो आना चाहिए आपको। चलिए हम मिटा सकते हैं, बोलिए। अब ये देखो, ये तो तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन आ गया लाइन का सॉरी प्लेन का, क्या क्या है पता रहना चाहिए, आर वेक्टर क्या होता है, उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एन कैप क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है, डी क्या होता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब इसका कार्टिजियन इक्वेशन जरा निकालते हैं कैसा आता है, तो कार्टिजियन इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, एक्चुअल में हमें क्या दिया रहेगा, हमको एन वेक्टर के अलोंग, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर है ना, वो कुछ भी दिया हुआ हो, मान के चलो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये दिया हुआ होगा, तो हम एन कैप की बात पूछें तो हमको क्या मिलेगा, ए वन बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर आई कैप, उसी तरह से y का j का k का मिलेगा ना। तो मान लो, ऐसा मान लो तुम कि नॉर्मल वेक्टर जो है हमारा, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप है। निश्चित रूप से n कैप अगर यूनिट वेक्टर होगा और l m n डायरेक्शन कोसाइन आपको मालूम है, डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर होता है, पता है कि नहीं आपको, देखो क्यों होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जब अंडर रूट लेते हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन तो पहले से जानते हो ना, तो ये एन कैप होता है। कोई भी डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर होता है उस लाइन का एक यूनिट वेक्टर होता है। तो अब हमको एन कैप पता है, आर वेक्टर को हम जानते ही हैं कि हमको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखना होगा, और डी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर हम कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना चाहें इन नॉर्मल फॉर्म, क्या लिखने चाहें, कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म एनएफ लिख दिए नॉर्मल फॉर्म, तो वहां से क्या आएगा, आर वेक्टर के जगह पे हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका डॉट लेना है एन कैप के साथ, तो एन कैप तो हम माने हुए हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और बराबर में आया हुआ है डी। तो अब जरा गुना करके देखो, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, और के कंपोनेंट के साथ होता है,
तो ये हो जाएगा l इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड बराबर डी, याद रहेगा? बोलो। देखो अब तुमको एक और ऑब्जर्वेशन भी बताएंगे, क्या है वो ऑब्जर्वेशन जो आगे की मतलब जब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि एक पॉइंट से हमारा प्लेन पास करे और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर दिया हो उस समय बहुत आसान हो जाएगा वो चीज़ें। क्या है वो पॉइंट, देखो ज़रा ध्यान से, इसको मिटाते हैं, प्रिंट कर लेना पहले। अब सुनो ध्यान से, हम क्या बताए थे, क्या क्या मतलब नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर का इक्वेशन लिखते समय क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको हमारे पास रहता है। हमारे पास एक एन कैप रहता है, या एन कैप कैसे भी निकाला जाता है, जो क्या होता है एक्चुअल में उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओरिजिन के, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उस प्लेन पे, उसका डायरेक्शन एन कैप होता है, और वो हमको दिया रहेगा या निकाल लेंगे कैसे। अगर प्लेन के नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा तो उसके हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे उसको हम लोग। तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप दिया रहेगा हमको, डी दिया रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये दिया रहेगा बस। और बोलेगा तब उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे हो और एन कैप के डायरेक्शन, एन कैप का उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो अभी अभी बताया गया है, बोलिए क्या लिखा जाता है, आर वेक्टर और डॉट एन कैप, आर वेक्टर और डॉट एन कैप बराबर डी, ये होता है वेक्टर इक्वेशन जो आपको याद रखना है। बस इतना ही याद रखोगे, बस हमेशा इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लोगे, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। और वेक्टर इक्वेशन तो ये हो गया, वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया, कार्टेशियन फॉर्म क्या आता है, तो इसमें आता है एक्चुअल में आर वेक्टर में हमारा एक्स वाई जेड और एन कैप में एल एम एन, तो ये हो जाता है एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड बराबर डी। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्वेशन बता रहे थे आपको कि x का जो कोफिशियंट है, y का जो कोफिशियंट है और z का जो कोफिशियंट है उसको ज़रा ध्यान से देखो, वो l है, m है और n है ना। हम ये बोल रहे थे कि तुम ऑब्जर्व करो कि l का कोफिशियंट x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट और z का कोफिशियंट क्या है, मतलब सब कुछ भूल जाओ, बस ये देखो कि x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, z का कोफिशियंट क्या प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है, जो प्लेन था उसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन ही ना है एल एम एन। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हो और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो डायरेक्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन का एक्स में, वाई में, जेड में गुना कर देंगे और बराबर के आर्चेस में हम लोग ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है वो लिख देंगे, कोई दिक्कत, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट लिख देंगे। तो अब जो है एक आध क्वेश्चन हम करते हैं आपका एनसीईआरटी का, ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, यहाँ भी याद रखिएगा, यहाँ भी याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज डिस्टेंस ऑफ 6√29 फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज 2i-3j+4k। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि r वेक्टर डॉट n कैप बराबर d होता है। r वेक्टर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप वाला। n कैप जो होता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। तो एन वेक्टर हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, हमको एन वेक्टर दिया हुआ है कितना, 2i-3j+4k। तो अगर वेक्टर दिया है और उसका कैप निकालना हो तो उस वेक्टर में हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं,
तो एन कैप क्या हो जाएगा हमारा, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन का मैग्नीट्यूड का मतलब टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर और प्लस फोर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जी, दो दुना के चार और तीन तिया ना और सोलह, सोलह ना पच्चीस और चार उनतीस, यानी कि एन कैप का वैल्यू हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन आई कैप माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन जे कैप और प्लस फोर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन के कैप। अब वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर जीरो, तो आर वेक्टर को आर वेक्टर ही रहने दो और डॉट एन कैप तुम्हारा आया हुआ है टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन आई कैप माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन जे कैप और प्लस फोर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन के कैप। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, बराबर में डी डिस्टेंस होता है तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है वो सिक्स बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन है। समझ गए बात को, ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब कार्टिजन इक्वेशन के लिए आप इसको ध्यान ही मत दो, आप ये सोचो कि हमारा जो एल एम एन होता था वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन होता था, जो एन कैप के कोफिशियंट्स आई जे के होंगे वही होगा, और डी डिस्टेंस होता था। तो डायरेक्ट अपने दिमाग में तो रख लोगे ना कि एल एक्स एम वाई एन जेड का मतलब हो गया कि इसमें एक्स से गुना करना है, इसमें वाई से गुना करना है, इसमें जेड से गुना करना है। तो और लिख दोगे कार्टिजन इक्वेशन क्या, जरा बताओ, वेक्टर को देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिख दोगे टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन, सॉरी वाई का तो माइनस थ्री था ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री और वाई हो जाएगा इसमें, और उसमें हो जाएगा फोर अंडर रूट ट्वेंटी नाइन इंटू जेड और बराबर डी डिस्टेंस यानी कि फोर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ट्वेंटी नाइन। ये बात समझ में आ गई। अब ये हो सकता है कि तुम इसमें अंडर रूट ट्वेंटी नाइन को अगर कॉमन ले लो नीचे से और दोनों तरफ काट दो तो इक्वेशन थोड़ा प्यारा दिखने लगेगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4z इज इक्वल टू 4। समझ में आया बात, बोलो। इसमें तो तुम्हारा वेक्टर ही इक्वेशन खाली दिया हुआ है, कार्टेशियन दिया भी नहीं है। ये समझ गए बात को। अब अगर तुम्हें ये बात याद है कि अगर हम लोगों को नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी होता है, उसमें एल एम एन क्या होता है, उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, और वो क्या होता है एल एम एन, तो वो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप होता है। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इजीली तुम बना सकते हो, है ना, अगला क्वेश्चन भी तुम बहुत इजीली बना सकते हो। तो इसको मिटाते हैं और फिर अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, मिटा देना।